तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का, वो है कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड, कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका करते हैं? जिस सिटी का हमें पॉपुलेशन फॉरकास्ट करना है, फ्यूचर पॉपुलेशन फॉरकास्ट करना है, एक दूसरा सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन सेम होता है, उस सिटी का, जिस सिटी का हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर पॉपुलेशन फॉरकास्ट करना है। और जो हमने एक दूसरा सिटी एज्यूम किया है, हमने सेलेक्ट किया है, फिर उस सिटी को स्टडी करते हैं कि पास्ट में वो कैसा ग्रोथ किया है। फिर एज्यूम कर लेते हैं कि जिस तरह से पिछले वाला सिटी ग्रोथ किया है, उसी सेम फैशन में हमारा जो सिटी है वो भी ग्रोथ करेगा इन द कमिंग फ्यूचर डिकेड्स। ठीक है, तो कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक्स सिटी है, ठीक है, इसका हमें पॉपुलेशन फॉरकास्ट करना है, पॉपुलेशन इन 2030। और इसका कुछ एरिया दिया हुआ है ए, ठीक है। अब एक हम दूसरा सिटी एज्यूम करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दूसरा सिटी मान लेते हैं पी सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका भी इसका कंडीशन सिमिलर होता है इसके, पी सिटी का जो कंडीशन है या कैरेक्टरिस्टिक कह लेंगे वो सिमिलर टू होता है एक्स सिटी के बराबर। मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने का मतलब इसका भी पॉपुलेशन ए होगा, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जितनी थी यहाँ भी सेम इंडस्ट्रीज, तो मतलब सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी है। और ये कभी किसी साल 1970, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें ग्रोथ कैसे हुआ। तो इस सिटी में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ उसको कॉपी कर देंगे इस सिटी के लिए। तो हमने क्या किया, कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन द टू सिटीज़ पी एंड एक्स, ठीक है। तो अभी से मेंशन कर लेते हैं, इन दिस मेथड द सिटीज हैविंग कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैविंग कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द सिटी सिमिलर टू द सिटी हुज फ्यूचर पॉपुलेशन इज टू बी एस्टिमेटेड सिटी हुज फ्यूचर पॉपुलेशन फ्यूचर पॉपुलेशन इज टू बी एस्टिमेटेड इज टू बी एस्टिमेटेड और फर्स्ट सेलेक्टेड। पहले हम एक सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक या कंडीशन सेम होता है हमारे सिटीज़ का, जिसे कह लो जिसका फ्यूचर पॉपुलेशन फॉरकास्ट करना होता है, फर्स्ट सेलेक्टेड। फिर क्या करते हैं, इट इज़ देन एज्यूम दैट द सिटी अंडर कंसिडरेशन विल डेवलप एज द सेलेक्टेड सिमिलर सिटीज हैव डेवलप्ड इन द पास्ट। जो हमारा सिमिलर सिटीज जो पास्ट में जिस तरह से डेवलप हुआ है, उसी तरह से प्रेजेंट वाला सिटी भी डेवलप होगा इन द कमिंग फ्यूचर। It is then assumed that the city under consideration will develop as the selected cities have developed in the past, selected similar cities have developed in the past.
और ये मेथड क्या है, मोर लॉजिकल है देन प्रीवियस मेथड, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, एक शहर कभी पहले ऐसे ही डेवलप हो चुका है फिर एज्यूम करें, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से हमारा शहर उसी तरह से डेवलप हो। ठीक है, दिस मेथड इज़ मोर लॉजिकल देन प्रीवियस वन, हेंस मोर रिलायबल रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड। तो इसमें क्या होता है, मोर रिलायबल रिजल्ट्स ऑब्टेंड होता है देन पहले वाला। ठीक है, दिस मेथड इज मोर रिलायबल देन प्रीवियस वन। हेंस मोर रिलायबल रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड, मोर रिलायबल रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं पहले इसको क्या है। ऑन एक्स एक्सिस देयर विल बी टाइम इंडिकेट, ऑन वाई एक्सिस देयर विल बी पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहले पास्ट रिकॉर्ड के आधार पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ आता है, तो 1990 ये हो गया 2000, ये हो गया 2010, ये हो गया 2020। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो P1 P2 P3 P4। अब हमने क्या है कि चार सिटी लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिटी लिया है, ये सिटी हो गया सिटी ए, ये हो गया सिटी बी, ये हमारा वाला सिटी है सिटी जेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिटी सी। तो यहाँ पे क्या है कि पहले वाले सिटी का एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चार सिटी में हम जो जेड वाला सिटी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एक सिमिलर सिमिलर फैशन में ग्रोथ हुआ है, तो जो सिटी जेड का एक्सपेंशन हुआ है वही हमारे वाला सिटी का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेथड था। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।